वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आप लोगों को ई स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स यहां पे मिल जाएंगी एंड इंस्टाग्राम पे भी जरूर से फॉलो कर लेना एंड आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम। एंड इसके बाद फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है सोल को लेकर। तो जैन की बॉट है उनसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो सोल है उनके मैच हमें कब देखने को मिलेंगे, तो इस पर उन्होंने एग्जैक्ट डेट बताई थी सोल एंड TX की। तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो भाई। सोल के मैचेस कब है? सोल का मैच सोल का मैच होगा 30 जुलाई को, क्या मैं सही हूं? आज 23 है ना, तो 30 जुलाई को सोल का मैच होगा, 29 को एक्स पाक का है, तो ऐसे सीन रहेंगे। एंड इसके बाद जो स्काउट है वो BGS नहीं खेलने वाले, तो इससे रिलेटेड काफी लोग उनसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों, वो BGS क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। मेरा ट्रैवल है, मेरा काम नहीं रहेगा, मैं ऑब्वियसली खेलूंगा, नो इशू। BGS क्यों नहीं खेलते? BGS का हम लोग का वीक 2 है, अपने लौंडे खेलने वाले हैं। मैं आपको शेड्यूल बोलता हूँ अभी क्या होने वाला है। 30 तारीख को और 27 को यहाँ से बैंगलोर जा रहा हूँ। 28, 29, 30 अपना इवेंट है शेड्यूल का, फेस्ट है। 30 को शाम को वहाँ से निकलूंगा मुंबई के लिए और वहीं मुंबई से आके वापस फ्लाइट लूंगा मैं सिंगापुर के लिए। अब सिंगापुर को मैं कन्फर्म करना डेज कितने, मैं इतना श्योर नहीं कितना, उर्वेश को पता है। सो वो चीज हम कंप्लीट करेंगे सिंगापुर पे, और सिंगापुर पे हम जो जा रहे हैं वन ऑफ माय ड्रीम कम ट्रू वाला सिस्टम रहेगा वो। तो वहाँ जाके हम लोग कुछ सेक्सी, वहाँ पे मैं एक्चुअली मैं एक वीडियोग्राफर हायर कर रहा हूँ सिंगापुर में जो प्रॉपर पूरा शूट करेगा पूरा चीज़ A to Z। हम लोग लेजिट आपको मैं समझो इन एंड आउट ऑफ बैन मैंने बताऊंगा। एंड चलो मैं इतना बोलता हूँ, वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स इन द वर्ल्ड इन फुटबॉल हु इज फ्रॉम बैन म्यूनिक यंगस्टर, उससे हम लोग मिलेंगे, उससे इंटरेक्शन का चांस मिलेगा। तो ये है और उसके बाद में 3 तारीख तक आके वापस आ जाऊंगा। जिसमें उन्होंने लिखा था BGMS season 1 बहुत ही मजा आया था, नॉट ओनली द चिकन डिनर्स और MVPs बट ऑल्सो द फन विद माई टीम एंड अदर प्लेयर्स टू, वॉन्ट बी प्लेइंग द season 2 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बट क्या कर सकते हैं, सॉरी गाइज। एंड इसमें उन्होंने बताया था कि वो BGMS का season 2 नहीं खेलने वाले। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है गोल्डी भाई को लेके। तो काफी लोग उनसे एक चीज पूछ रहे थे कि सोल की अनाउंसमेंट कब देखने को मिलेगी, तो इस पे उन्होंने बताया था कि आज हमारे को अनाउंसमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगी। सबका टीम है भाई, सब ग्रुप 2 में है, अभी ग्रुप 1 हो रहे हैं। अभी वीक 2 का रिलीज ही नहीं क्या भाई यार? वीक 2 का रिलीज ही नहीं हुआ डेटा, तुम्हें कहां से पता चल गया? बिना बताए खेल ले क्या पक्का बना के? सोलो अनाउंसमेंट कल हो जाएगी। ड्यूस गेमिंग YT पमना ब्रो आई लव यू, हाउ आर यू? मुझे समझ में नहीं आती, तुम सबको पता है टीम बनी है सब कुछ है, वो अनाउंसमेंट वीडियो में टाइम लग रहा है उसके लिए भी इतना। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है IYD स्पोर्ट्स को लेके। तो उन्होंने जो अपना BGMI का रोस्टर था उसको अनाउंस कर दिया है, जिसके अंदर 5 प्लेयर तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड 6 प्लेयर पे उन्होंने शेडो लगाई दी है, जिसमें उन्होंने लिखा था गेस आर लास्ट प्लेयर। एंड साथ में उन्होंने कुछ हिंट्स देते हुए लिखे थे कि ये SA12 का प्लेयर रहने वाला है। एंड सेम हिंट्स उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी दिए थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा SA12 का प्लेयर है जो कि हमारे को ये ज्वाइन करता हुआ दिखाई देगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी गेसेस बता सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है सिद भाई को लेके। तो उन्होंने बात करी थी कोचिंग से रिलेटेड की जो कोचिंग है इंडिया के अंदर ये कैसे स्टॉप हो सकती है, तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। भाई फ्रेंचाइज हुआ, प्लेयर बिका कहीं पर, बिक गया, सिंपल है। वहां पर ये चीजों को ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, दे नो व्हाट डिसिप्लिन इज। ऑल्सो टू एंड द पोचिंग पार्ट ना, ये ट्रांसफर विंडो का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन, मैं यही बोलने वाला था यार, ट्रांसफर विंडो का पूरा रूल होना चाहिए भाई, रोस्टर लॉक्स तो होने चाहिए, 101% रोस्टर लॉक्स वाला सिस्टम जो ये ट्रांसफर विंडो बोल रहा है मायावी, 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए रोस्टर लॉक वाला सीन, इससे ही पोचिंग बंद होगा। ट्रांसफर विंडो ये होता है कि बॉस साल में 2 या 3 बार ही तुम अपना रोस्टर बदल सकते हो, यही होता है। ये अगर होगा तो ही पोचिंग बंद होगा। बहुत सेक्सी पॉइंट उठाया मायावी ने, डेफिनेटली 120% अग्री विथ हिम, ट्रांसफर विंडोज। बट अगेन जैसे मैंने पहले बोला, ट्रांसफर विंडो इज समथिंग दैट इज गवर्न बाय द पब्लिशर इटसेल्फ फॉर देयर ऑफिशियल इवेंट्स, और वो आई डोंट थिंक अगले 1-2 साल तक आने वाला है। आई थिंक सब डेवलपर के हाथ में, एक महीना आपका नहीं चला सिनर्जी भाई, मेरे को खेलना ही नहीं है। तो बॉडी बनेगी तभी तो होगा, जब तक वो बॉडी नहीं है जो आपका ये सब मैनेज कर सके। इवन कास्टर्स खुद एनालाइजिंग वीडियो T1 की बनाते हैं यार, देखो अगेन आई डोंट वांट टू अटैक एनीवन, दैट इज हाउ इट इज। इसलिए मेरे को जब
इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है इनसेन को लेके। तो जो टीम इनसेन है उसमें मेरे को एक और प्लेयर ज्वाइन होते हुए दिखाई दिए जिनका नाम है स्लग, एंड उनकी अनाउंसमेंट मेरे को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। एंड आप लोगों के इसके ऊपर क्या व्यूज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है सोल अमित को लेके। तो आप लोगों को भी पता ही है अभी पबजी पीसी का एक टूर्नामेंट चल रहा है, एंड आप लोगों को ये भी पता ही होगा कि जो सोल अमित है वो पहले हमारे को IR से खेलते हुए दिखते थे, एंड अब वो उस टीम से नहीं खेल रहे। तो काफी लोग उनसे पूछ रहे थे कि आपने इंडियन राइवल्स को लेफ्ट क्यों किया, एंड साथ में आप आईफ्लिक के साथ क्यों नहीं खेल रहे। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। व्हाई लेफ्ट IR? अरे बहुत टाइम से लाइक वेट्स के साथ ही खेल रहा हूं, तो इसके पहले वाले टूर्नामेंट हम IR से खेल रहे थे और वेट्स और वो सेम ही लाइनअप था, बस नाम IR यूज कर रहे थे। अभी IR का नाम आई गेस एक्सेलिन दूसरे रोस्टर में मतलब यूज कर रहा है, तो ठीक है चलता है, इट्स फाइन। वो सारे प्लेयर्स IR से खेले हुए हैं एक टाइम पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ये हैवक में बेसिकली ऐसा है कि चारों प्लेयर्स के जो नाम है उसके इनिशियल्स हैं HAVK, अगर तुम नोटिस करो तो मेक सेंस। व्हाट अबाउट अनक्राउन किंग्स? बहुत अच्छा खेलते हैं वो, मतलब वो हमेशा मतलब शुरू से खेलते आ रहे हैं, तो तक नहीं खेल रहा हूँ हम शुरू से खेलते आ रहे हैं, तो वो ऐसी टीम है जो फ्रैग आउट करती है। देयर विल बी टीम, देयर विल बी कॉम्पिटिशन। अब अगर मैं बहुत टाइम तक नहीं खेल रहा हूँ और मैं एकदम से आके सोचूं कि भाई मतलब बस मैं हूँ, तो ऐसा नहीं होता ना। बाकी टीम्स हैं जो थ्रू आउट द टाइम ग्राइंड कर रही है। आप आईफ्लिक्स के साथ क्यों नहीं खेल रहे भाई? क्योंकि बीच में मैंने बोल रहा हूँ ना, वेट्स और हेडीज इनके साथ खेलना स्टार्ट किया, और आईफ्लिक्स को हमने फिफ्थ मैन ऐसे रख लिया था क्योंकि वो खेलता नहीं था, उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता था, उसके ऑर्ग में एज अ मैनेजर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता था। एंड में उसने पूछा पर एंड में कैसा था कि हम जो चार प्लेयर इतने टाइम से खेल रहे थे वो मतलब ऐसा नहीं ना कि मतलब आईफ्लिक्स को खेलना है तो हम जो चार प्लेयर खेल रहे इतने टाइम से वो निकाल देंगे। यू वोंट स्ट्रीम PNC मैचेस? तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।